डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय सॉल्यूट। प्रीवियसली हमने पढ़ा कि जब भी सॉल्वेंट के अंदर प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ डाली जाती है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर जितना कम होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे बैलेंस करना होता है दोबारा से अपने आप को। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है। जब बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसका मतलब होता है उस कंपाउंड या स्पीशी का डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वैसे भी कहते हैं, किसी हम ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करें तो कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद हों सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, जब एक नॉन वोलेटाइल चीज सॉल्वेंट में ऐड की जाती है तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, दीज द टू थिंग्स आर इन वेसल हैव टू फेजेस लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, द सॉल्यूशन विल फ्रीज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बोथ बिकम्स सेम। यानी आप वो ये कहता है कि हमने बात की फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर सेम होगा, लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट तो वो तब करेंगे ना जब वेपर प्रेशर सेम होगा। तो जब हम कहते हैं वेपर प्रेशर कम हो गया है तो दो चीज़ों का वेपर प्रेशर दोबारा से जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ फ्रीज नहीं होती है। इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। हम उस चीज़ को हम ग्राफ पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास ए से बी जो है ग्राफ की प्लॉटिंग की गई है, जिसमें वेपर प्रेशर आपके पास क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस और टेम्परेचर है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि द कर्व ए बी एंड सी इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की गई, ए से बी, बी से सी, ये कर्व किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए है। वो कहते हैं यहाँ पर अगर आप ए बी सी को देखो तो जो सॉल्वेंट फ्रीज होता है वो किस पे फ्रीज होता है, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे इसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। बी वो पॉइंट होगा जिस पे आपके पास सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस एक साथ मौजूद होंगे। अगर इसको हम प्लॉट करें एक्स्ट्रा तो यहाँ पे टी वन आता है। टी वन इज द टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर दैट पॉइंट। और उस टाइम आपके पास जो इसका प्रेशर है, सॉरी आपके पास जो इसका वैल्यू है प्रेशर की, वो है पी नॉट, मतलब सॉल्यूशन के पी नॉट मतलब पी जीरो मतलब पी ओरिजिनल। अब वो कहते हैं कि आप पोर्शन देखो ए से बी, तो आपको समझ आ गया यहाँ पे चीज़ मेल्ट आपकी फ्रीजिंग की तरफ आ रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। कहते हैं बी से जब सी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर टिपिकल चीज़ क्या रहती है, सॉलिड, यहाँ पे कोई लिक्विड के पार्टिकल मौजूद नहीं होते। बी से ऊपर सारा लिक्विड है, बी से नीचे सी तक सारा सॉलिड। ये जो पोर्शन आता है इसमें आप देखो कर्व बहुत आ रहा है, एक डीपनेस आ रही है। ये जो कर्व आता है इसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप बहुत ज़्यादा आती है, ये रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर यहाँ पे बदल रहा है। देखो वेपर प्रेशर यहाँ पे चेंज हो ही रहा होता है ना। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद अगर आप देखो कर्व डी ई सी, कर्व डी ई और सी, ठीक है, वो कहते हैं कि अब आपने चीज़ सॉल्वेंट में कोई चीज़ ऐड कर दी, तो हमें फौरन से पता चला किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर दी तो उसका कर्व नीचे की तरफ चला जाता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो कहते हैं यहाँ पे जो डी और ई कर्व है ये है सॉल्यूशन कर्व। ठीक है, कहते हैं कि डी ई कर्व है ये पहले वाले कर्व को आपका वैल्यू को काटता है एट पॉइंट ई, बी और सी लाइन को कट करता है। अब उस ई जहाँ पे वो कट करते हैं उसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो वो टी टू टेम्परेचर आता है, ये वो टेम्परेचर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सोल्यूशन किस टेम्परेचर पर जाके फ्रीज हो रहा है। इस ई पॉइंट के ऊपर आपके पास सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ई से इतना इधर चले जाएंगे सोल्यूशन में वो लिक्विड होगा, इतना नीचे आ जाएंगे वो सॉलिड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों टेम्परेचर आपके पास आए हैं, देखो पहले टी वन कहाँ था फिर टी टू बैक साइड पे चला गया, तो टेम्परेचर अगर स्टार्ट में 100 था बाद में 50 हो गया तो टेम्परेचर तो कम हुआ ना, तो इसका मतलब डिप्रेशन हो गया आपके पास। तो हम इसका चेंज नोट कर देते हैं बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करके, तो यू कैन सी दैट जब बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डिप्रेशन डेल्टा एफ, कितनी कमी हुई है टेम्परेचर में, टी वन माइनस टी टू। दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये मोलालिटी से रिलेट करता है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलालिटी से रिलेट करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन वन के जी या पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो के एफ आ जाएगा, जिससे वहाँ पर के वी था, के एफ इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन को पुट करते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है 1000 W2 m2 × W1, ये वही इक्वेशन है जो पीछे प्रीवियसली मैं कैलकुलेट की थी। यहाँ पे m की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दी तो आपका इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 W2 m2 × m1। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज़ निकालने के लिए न्यूमेरिकल में दे दीजिए तो वही कैसे भी कैलकुलेट की। ठीक है, मोलर मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास में और रिलेशन क्या आ गया आपके पास डेल्टा टी में, इट इज़ द इनवर्स रिलेशन। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद आते हैं मेयर करना, फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कहते हैं। जैसे वहाँ पे बैकमैन थर्मोमीटर था आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे भी आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वही वाला पेटेस है, सेम वही वाला काम होना है। सिर्फ फर्क क्या हो जाना है कि यहाँ पे आप अगर पिक्चर को देखो तो बैकमैन थर्मोमीटर आपके पास अटैच है, यहाँ पे एयर जैकेट वैसे ही बनी हुई है, सिर्फ यहाँ पे आपके पास फ्रीजिंग मिक्सचर ही डाल दिया जाता है जो बार्स ट्यूब को कवर करता है, ठंडा करता है टेम्परेचर को। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट आपके पास होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर उसमें मौजूद है, ये फ्रीजिंग ट्यूब है आपके पास, यहाँ पे स्टीलर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप अपना केमिकल को जो एंटर होगा उसको स्टे करते रहोगे, और यहाँ पे थर्मामीटर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स करेंगे। स्टेप नंबर वन देखो, आपके पास क्या है, अ फ्रीजिंग ट्यूब विद साइड आर्म, इट कंटेन्स सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इज फिटेड विद द स्टीलर एंड द बैकमैन थर्मामीटर। फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर आपके पास साइड आर्म है जिसमें आपके पास क्या चीज मौजूद है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन होगा, फिट किया जाता है थर्मामीटर के साथ। आउटर जैकेट है, फ्रीजिंग ट्यूब है उसकी, एयर जैकेट को बिटवीन स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग। एयर जैकेट में क्या हो जाता है, ये एयर जैकेट इसको होमोजेनिटी प्रोवाइड करेगी कि स्मूथ कूलनेस पूरे ऑपरेटर्स को मिले आपके। इसी तरह फ्रीजिंग ट्यूब इज देन पुट इन टू द एयर जैकेट। फ्रीजिंग ट्यूब कौन सी है, ये ट्यूब जो आपके पास है इस एयर जैकेट के अंदर रखी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूशन आपने इसमें लिया होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन का डमिन कर सकते हैं बाय स्टीरिंग, प्रॉपर स्टीरिंग करके। न्यूमेरिकल देखो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर इज 778.4। प्योर कैम्फर यानी प्योर टी 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 और वन की वैल्यू बताई गई है। पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हमें फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है सोल्यूशन का जिसमें 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है। 2 ग्राम आपके पास अमाउंट आ गई डब्ल्यू टू की, हैविंग मास एंड 2 is 140 इन 40 ग्राम ऑफ कैम्फर। ठीक है, डब्ल्यू वन भी हमारे पास आ गया, डब्ल्यू टू भी हमारे पास आ गया, तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इज इक्वल 37.7। तो सिंपल क्या है, वैल्यूज लिखी, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट के कांस्टेंट की वैल्यू, फॉर्मूला आपके पास डेल्टा टी एफ है, हमें क्या फाइंड करना है, टी एफ को फाइंड करना है। तो जल्दी से भागते हुए सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है, अब जो गौर करो कि उसने हमें कहा है कि यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो टी एफ किसके बराबर था, टी टू माइनस टी वन के, जो टेम्परेचर आपका स्टार्ट में था उसमें से निकाल दो, जो बचेगा वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का। क्योंकि हमें ये तो सॉल्वेंट का बताया गया था, ये तो टोटल डिफरेंस आया, डिफरेंस को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 164.94 आ जाएगा।